इसलिए छोड़ के भागी, मैं ना बनने वाली हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। मेरे घर वाले बहुत कट्टर हैं, मार डालेंगे मुझे जान से। गलती होती है, हर इंसान से होती है, आप उसको ठीक कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे नहीं, कहाँ पे? हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाशवाद इंटरटेनमेंट में। दोस्तों हमारे टीम के सारे लोग जो है जा चुके हैं, हम और हमारा कैमरा मैन है, हम लोग भी जा ही रहे थे। देखे कि कोई लड़की बैठ कर पार्क में रो रही है, एक्चुअली में उसको क्या हुआ है हमें भी पता नहीं लग रहा है। उससे मिल के बात करेंगे तभी पता लगेगा कि उसे हुआ क्या है। तो हम चलते हैं उससे बात करते हैं। मेरे साथ साथ चलो भैया, कैमरा छुपा के लगाना, उसको पता नहीं लगना चाहिए अभी, तो अपना प्रॉब्लम जो होगा वो बताएगी भी नहीं। तो आप चलो पीछे पीछे। क्या हुआ है तुम्हें? हेलो, तो रो कह रही हो तुम? काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे, हम जा रहे थे तो थोड़ा देर हम देख रहे थे कि तुमको कुछ लड़के परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन तुम उन लोगों को कुछ बोल ही नहीं रही हो। कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? यार बताओ, बताओ कि तभी तो तुम्हारा कुछ हेल्प करेंगे। कुछ नहीं, एक छोटा भाई समझ के बता दो। कुछ नहीं हुआ है, फिर रो कह रही हो, बताओ। कुछ ना कुछ तो हुआ है यार, तुम झूठ बोल रही हो। कुछ हुआ है तो बताओ। नहीं, तो हम जाएं? जाओ। शाम भी होने वाला है, तुम उस समय से रो रही हो, बता दो यार। कुछ हुआ है तो बताओ, बताओगे तभी कुछ करेंगे। कुछ नहीं हुआ है, सच में बोल रही हो? हाँ। तो फिर रो कह रही थी, बताओ। चलो तुमको घर छोड़ देते हैं हम, पार्क बंद हो जाएगा, टाइम भी हो रहा है पार्क बंद होने का। तो चलो अभी छोड़ देते हैं, मैं खुद चली जाऊंगी आपके साथ। कैसे चली जाऊं, मैं कुछ जानती हूं। फिर रो कह रही, कुछ तुमको ना कुछ ना कुछ तो हुआ है यार। तो रोने का रीजन तो बताओ, रो कह रही? इस तरह कोई नहीं रोता है, कुछ ना कुछ होता है, फिर रो रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे यार, बता दो। कुछ नहीं हुआ है? नहीं। तुमने घर वालों को नंबर दो, मैं बात करता हूँ। बात करते तुमको तो नंबर दो, नंबर देने में क्या लगा है? वालों के साथ नहीं रहती। या कितने लोग तुमको परेशान कर रहे थे, जो पार्क में आवारे लड़के घूमते हो तुमको परेशान कर रहे थे, तुम उनको कुछ बोल ही नहीं रही थी? घर वालों के साथ नहीं रहती हूँ, आप जाओ। तो उस लड़के को, जो लड़का तुमको परेशान कर रहा था अभी, कुछ 7-8 लड़के थे, उन लोगों का नहीं कुछ बोल रही थी तू? ऐसे में मन नहीं था, बदतमीज लोगों के मुँह लगने। तो वो लोग तो बदतमीजी कर रहा था ना तुम्हारे साथ, कैसे कैसे कमेंट पास कर रहा था। कुछ हुआ है तो बताओ। कुछ नहीं हुआ है? को मैं अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ, वो बात करेंगे तुमसे। हाँ, आप चले गए हैं क्या रूम पे? कोई लड़की है पार्क में, बहुत रो रही है, कुछ बता ही नहीं रही है। आइए ना थोड़ा, अच्छा टाइम लगेगा, आइए आइए, हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी ही कीजिए नहीं तो पार्क बंद हो जाएगा। अच्छा आइए, अच्छा आ रहे हैं। कुछ बता दो अभी, कुछ हुआ है तुमको? क्या कर रही हो फ़ोन में? क्या खोज रही हो यार? क्या कर रही हो यार? कुछ नहीं कर रही। क्या हुआ है तुम्हें, बताओगी तब तो? कुछ कुछ हुआ ही नहीं है तुम्हें? तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, तुम जा रहे हैं तो। A few moments later. कुछ हुआ है तो बताओ। मैं ठीक हूँ। फिर रो कर, रो दी हो, आ गए यही है, काफ़ी टाइम से रो रही है, क्या हुआ है पता ही नहीं लग रहा है, बता भी नहीं रही है। नहीं रो रही मैं, रो रही हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? कितने टाइम से बैठे हो यहाँ पे? अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले। ये तो बोल हमें कि सुबह से जब आए थे सूट पे तभी आपको देखे, तभी। हाँ, यहाँ पे बैठे हो? बुलाए घूमने आई है, लेकिन शाम हो गया है। देखो यहाँ पे कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं, पार्क के सेफ नहीं। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, अकेली बैठ कर रो रही हो, इन्होंने बताया हमें। ऐसी है मैं पागल हूँ, मैं रोती रहती हूँ। क्यों रो रही हो बताओ? ऐसे है? ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो? प्रॉब्लम नहीं है यार मुझे, आप क्यों तो रो क्यों रहे हो? रो रही हूं मैं। अरे यार ऐसे मत करो, देखो भाई जैसे समझ सकते हो, ठीक है, रो मत। टूटी हुई थी मंदिर, ठीक है, रोना नहीं है। आप बताओ हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। कुछ नहीं, मुझे ठीक हो। हैं? ठीक हूँ मैं। तो चलो, आप घर कहाँ है आपका? चली जाऊँगी मैं घर, वो हम लोग छोड़ देते हैं आपको। कुछ अच्छे आदमी हम लोग, भाई जैसे समझ सकते हैं। मैं खुद चली जाऊँगी घर, कोई बात नहीं।
सुबह से कुछ खाई हो तो रो क्यों रही हो यहाँ पे आप? अरे मैं ठीक हूँ यार, मेरी आंखें कमजोर है, बस पानी आ रहा है। देखो हमें भी दुनियादारी समझ में आ रहा है, ठीक है, हम देखते हैं लोगों को, ऐसे आंसू निकाल रही हो, फोकट का थोड़े निकल रहा है, अंदर कुछ सीने में जरूर चल रहा है आपको। बताओ भाई के नाते बता सकते हो प्लीज? देखो हमें भी फीवर हुआ है, ठीक है, और मैं रूम से चल गया या इन्होंने कॉल किया तो ठीक है, मेरा भी हालत ख़राब है, तो अगर आप मेरे बारे में कुछ भला चाहते हो तो आप बता सकते हो। मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ। रो मत, आप बताओ हमें, ठीक है, नहीं तो चलो हमारे साथ, अब मैं आपको छोड़ देता हूँ अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम। बताओ ना क्या हुआ है? सुबह से कुछ खाई होगी नहीं तो? मैं घर यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है? बिहार में। यहाँ किसके पास में रहते हो आप? बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। तो रो मत, बताओ ना कहाँ है बॉयफ्रेंड आपका? पता नहीं, फोन नहीं उठा रहा है मेरा। कब से नहीं उठा रहा है? सुबह से। तो इसमें रो क्यों रही हो? कहीं काम में बिजी होगा? नहीं है, घर मैं जेवर वेवर लेके आई थी घर से भाग के, वो जेवर भी घर पे नहीं है, पैसे भी नहीं है जो मैं लेके आई थी, 1-2 लाख रुपए कुछ भी नहीं रखा हुआ रूम में, और वो रूम से मुझे निकाल दिया, बोला कि पूरा हो गया आपका रेंट, आप निकल जाओ यहाँ से। फोन नहीं उठा रहा, वो पैसे भी नहीं है, जो थोड़ा सा वॉलेट रखा था तो मेरे वॉलेट में थोड़े से पैसे, वो भी कोई ले गया छीन के। तो रो मत, कब हुआ है? आज ही हुआ क्या आपके साथ? रो मत। कहाँ आपका बॉयफ्रेंड ऐसे किया है आपके सामने ना? कौन नहीं उठा रहा है? तो रो मत, क्यों रो रहे हो? वो चला गया छोड़ के, यही ना बोल रहे हो आप? तो रो क्यों रहे हो? चलो मैं जाऊंगी, हम लोग लेकर चलेंगे आपको। आप नहीं जा सकते? क्यों? वो इसलिए छोड़ के भाग गई, मैं ना बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होती है, हर इंसान से होती है, आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। घर का लोग जानता है कि मम्मी पापा से आपकी बात होती है? नहीं होती है? तो आप दोगे नंबर, हम बात करें उनसे? कोई फायदा नहीं, आपको भी सुनाएंगे, मुझे भी सुनाएंगे, और मेरे घर वाले बहुत कट्टर हैं। अच्छा। मार डालेंगे मुझे जान से। कितने भाई बहन हो आप? 3 बड़े भाई हैं मेरे, सबसे छोटी बहन हूँ उनकी। अच्छा, भाई लोग से बात नहीं? तो आपने ये बात घर पे नहीं बताई थी? चुपके चुपके आपने भाग के आ गया। हाँ। और वो बंदा आपको छोड़ दिया, यही ना बता रहे हो? कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। तो रोने से कुछ देखो समाधान नहीं होता है, आपको कुछ कदम लेना पड़ेगा, ठीक है, लड़ना तो पड़ेगा, वो छोड़ के चला गया तो आप यहाँ पर रो कर कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, हौसले बुलंद करो, स्टार्ट करो यहाँ से, अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कर लो, बैठ कर रोते रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। क्या करते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो आप? हाँ। क्या करते हो? मैंने लॉ कर रखी है, मैं तो सेकेंड ईयर में थी, छोड़ के भाग गई वहाँ से। अभी आप स्टार्टअप करना चाहते हो फिर से? अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो बेस्ट है ना, अगर कुछ पढ़ लिख के बन जाते हो, कुछ काबिल हो जाते हो तो अच्छा है ना। जो आपको छोड़ के गया है वो तो आएगा एक दिन लौट के आपके पास, जब उस लायक बन जाओगे आप, हैं, तो उसके लिए कुछ करो। रो क्यों रहे हो? हौसला बुलंद करो, स्टार्टअप करो नया जिंदगी का, कुछ कर सकते हो अभी भी, ठीक है, ऐसे टूटो मत, टूटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, जो आपको छोड़ कर गया उसे ही बात का खल होनी चाहिए कि वो आपको छोड़ कर गया है क्यों। आप इतना कामयाब बनो कि उसको एक दिन रोना पड़े तुम्हारे पास आकर, कर दिखाओ कुछ ऐसा, हौसला बुलंद करो, पढ़ाई लिखाई करो, मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? देखो भाई जैसा मान सकते हो हमें, अगर आप कुछ पढ़ के बनना चाहते हो। यहाँ पर कौन है आपका, दिल में कोई है? नहीं है तो घर तो जा ही सकते हो, घर कहाँ नहीं जा रही हो? घर जाऊँगी तो मार डालेंगे मुझे। घर नहीं जा सकते हो? हमारे साथ रह सकते हो, हमारी टीम है एक 5-6 लोग, ये देखो हमारा कैमरा, कैमरा भी लगा, हम लोग शूट करते रहते हैं। कैमरा चालू आपका? मेरी बात सुनिए, हम लोग शूट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है, बस यहाँ पे देखे आपको इसलिए मैं कैमरा लगवा दिया कि आप रो क्यों रहे हैं, मतलब पूछ के हम शूट कर रहे थे, ठीक है, अगर आप अलाउ करोगे तो हम इसे डालेंगे नहीं, ठीक है। कुछ करना चाहते हो, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ऐसे टूटो मत, टूट जाओगे तो फिर कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाओगे, ठीक है, हौसला बुलंद करो, कुछ करो, कुछ करना चाहते हो तो स्टार्टअप करके अब बहुत आगे तक जा सकते हो। भाई जैसे मान सकता हूँ मैं, अगर आप चाहो तो मैं आपका सारा अरेंज करा सकता हूँ यहाँ पर, चाहते हो आप अगर मेरे साथ आना तो आ सकते। कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? 1 हफ्ता ही हुआ। तुमको कब छोड़ के हो गया है यहाँ? सुबह चला गया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब छोड़ के तुम गए? सुबह ही छोड़ गए। आपके पास कुछ खाने होने के बैग में चीज़ें हैं? कुछ नहीं खाने। चलो अब हमारे साथ पहले कुछ खा पी लो, फिर हम बात करते हैं। हम आपके मम्मी पापा से बात करेंगे? नंबर पता नहीं क्या कहेंगे वो, कहेंगे बात। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो, हमारे रूम पे रहो, खाओ पियो,
आप जैसे बोलोगे, अगर बोलोगे अगर मम्मी पापा से आपसे बात करके आपको घर पे भेजें या आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। उसके लिए तो कर जाओ जो आपको छोड़ के गया है, उसके लिए बन जाओ, दिखा दो दुनिया को, ठीक है। हारो मत, ठीक है, रहना है, संघर्ष करना है जिंदगी में। सब लोग छोड़ के जाते हैं जिंदगी में, बहुत लोग प्यार करते हैं पर एक ना एक दिन कोई ना किसी को छोड़ के चला ही जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग ड्रिंक व्रिंक करके अपना ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं एक सोशल मैसेज की तरह डालूंगा, लोग देख के इसको मोटिवेट होंगे। बहुत लोग टूट जाते हैं ऐसे देख के, उनको तो ये समझ में आएगा कि हाँ हमें भी जिंदगी में कुछ करना है। ये जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड के लिए जी, आप मम्मी पापा के लिए जी सकते हैं, ठीक है। उन्होंने आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ कर शादी कर देगा, आप टेंशन मत लो। आपसे ज़्यादा चिंता उनको होता है, पहले ठीक है कुछ करो आप, पहले चलो हमारे साथ कुछ खाओ पियो, आप हमारे घर पर चलो, ठीक है, बाकी हम बात करेंगे आपसे, ठीक है, ठीक है, आ जाओ।